लोग तो बहुत संस्थाएं आई हैं अपना वो करने, कुछ अपनी दुकानें चलाते हैं, कुछ अपना रोजगार चलाते हैं। इन भैया के माध्यम से इन परिवारों के लिए अच्छी सी सहायता मिल रही है और बच्चे महिला खुश हैं और ठंड में वॉशरूम ये अपना टॉयलेट वगैरह और सर्दी के लिए ठंड कंबल वगैरह और बहुत कुछ राशन वगैरह इन्होंने बहुत मेहनत से करके इनकी हेल्प में लगे पड़े हैं। हिंदुओं के पैसे से है ये देश रन करता है, हिंदुओं के टैक्स से ये देश, हिंदुओं के खून पसीने की कमाई से चलता है, रोहिंग्याओं के टैक्स से नहीं चलता ये देश, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से नहीं चलता देश। फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ दिस कंट्री आर हिंदूज, इसलिए हिंदूज की डिमांड है टू सिक्योर द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान। बच्चों से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे क्योंकि कन्याएं शुभ होती हैं, लक्ष्मी का रूप होती हैं, तो ये बांट बांट कर अपने घर में भी थोड़ी लक्ष्मी ले आएंगे। चलो बेटा आप इसको उठाओ, वन पंजा छोड़े अमेरिका जा जेके भी सिंधी दीवाना है या पंजे हिंदू समाज जा मानू है उन्होंने जा लख लख थोड़ा इता लख लख उन्होंने जा शुक्राना। जो यहाँ आना चाहता उनको वीजा उचित हिसाब से दी जाए जो परेशान है पाकिस्तान में, और जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए कुछ अप्लाई की जाए जो नेशनलिटी के लिए, और ये किसान परिवार है इनको लीज की जमीन दी जाए अपने बलबूते पे चल सके। दोस्तों हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का दिन इज वेरी स्पेशल बिकॉज टुडे वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लैंकेट्स, और हमने ये ब्लैंकेट्स लाई हैं दोस्तों इन सब 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 लोगों के लिए जहां यहां शरणार्थी परिवार यहां बैठ रहे हैं, सारे कैंप के लिए लाके लेकर आए हैं। और वी स्पेंड कंप्लीट यस्टरडे पूरा दिन इन ब्लैंकेट को लाने में। वी वेंट टू पानीपत, पानीपत इज ए ब्लैंकेट मार्केट, होलसेल मार्केट है, और हमें बहुत पूरा दिन लग गया इनको छांटने में। और ये जो दोस्तों कंट्रीब्यूशन आया, ये कंट्रीब्यूशन दो लोगों से आया, दो सज्जन पुरुषों से कंट्रीब्यूशन आया। वन इज मिस्टर सतराम सेवक रमानी जी, ही इज 86 ईयर्स ओल्ड और वो स्पेन में रहते हैं, और अनदर वन इज श्री घनश्याम जी, वो भी स्पेन में रहते हैं। और घनश्याम जी कुछ दिन पहले इस कैंप में विजिट करके गए हैं, वो सबसे मिलकर गए हैं, उनकी पिछली बार रिक्वेस्ट भी थी कि मैं सिंधी में इनसे कुछ बुलवाऊं, तो ये सब लोगों से मिलके गए हैं। तो लेट अस स्पीक विद सम पीपल हेयर जो घनश्याम जी से मिल चुके हैं, तो देखते हैं वो उनका क्या रिएक्शन है। सबसे पहले हम मिलते हैं सीताराम जी से। जय झूलेलाल, साई असी साई घनश्याम दास आई सतराम सेवकवाणी उन्हनि जा लख थोराइता आहियूं, जो असां जेको सिंध खां आयल जेके भी हिंदू परिवार हिते जेको दिल्ली में रहूं था उन्हनि लाइ पहिरीं बि घनश्याम दास हिते पाण असांजो हाल अहिवाल वठी वियल आहे, असां सां मिली वियल आहे की असां कहिड़ी कंडीशन में हिते रहूं था ऐं कहिड़ी कंडीशन में असांजो जीवन आहे। असांजे इहा ॾिसी असांजे सर्दी जो मौसम आहे, असां लाइ इहे सुठियूं सुठियूं कंबलियूं आणियूं आहिनि असां लाइ, वॾा उन्हनि जा शुक्र गुज़ार आहियूं। ऐं हिंदू समान फाउंडेशन जेका आहे उन सां गॾिजी करे असांजे जेको सेवा में ॾींहुं राति असांजे लाइ ऐं असांजो पैगाम अॻिते ताईं वधाए रहिया आहिनि, जेको बि इन्हनि सां जेके बि जुड़ियल आहिनि, जेके बि संगती साथी, जेके बि हिते जा सिंध जा हिंद जा स्पेन जा तोड़े अमेरिका जा जेके बि सिंधी दीवान आहिनि या पंहिंजे हिंदू समाज जा माण्हू आहिनि उन्हनि जा लख लख थोराइता लख लख उन्हनि जा शुक्राना। जय झूलेलाल साईं। ये दोस्तों ये तो सारा ही सिंधी हो गया, इतना तो मेरे को सिंधी समझ में नहीं आई, लख लख थोरा का क्या मतलब होता है? शुक्रिया उनको, थैंक यू, धन्यवाद। सतराम सेवक रमन लख लख थोरा और धन्यवाद। जय झूलेलाल। और तवान जो छाला ये लो दोस्तों, ये है हमारे बड़े कर्मठ सेवादार हैं पाकिस्तानी हिंदू समाज के, पाकिस्तानी हिंदू समाज के बड़े कर्मठ सेवादार हैं ये। और आप बताओ, आप तो अब देखते हो हमारा काम देखते हो, आप बताओ क्या बोलना चाहोगे? सब जय श्री राम करने लग रहे हैं, सब सामने आ रहे हैं, क्या बोलोगे? हम घनश्याम को धन्यवाद देते हैं, इन परिवारों की तरफ इन्होंने ध्यान दिया, और हम ये भी इनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपने पाकिस्तान में जो हिंदू भाई है उनकी सुरक्षा की जाए, इनके द्वारा हो सकती है, ठीक है। और जो यहाँ आना चाहता है उनको वीजा उचित हिसाब से दी जाए जो परेशान है पाकिस्तान में, और जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए कुछ अप्लाई की जाए जो नेशनलिटी के लिए,
और ये किसान परिवार है, इनको लीज की जमीन दी जाए, ये अपने बलबूते पे चल सके, ये देना सीखे लेना ना सीखे। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है घनश्याम से और सतराम सेवा से, इनसे मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इनके विषय से ऊपर से कुछ सरकार से इनकी हेल्प करवाएं, जो ये आगे बढ़े। ये किसान परिवार है और मैं इनके लिए जो आपने जो सेवा कर रहे हैं यहाँ, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साईं झूलेलाल को जय झूलेलाल साईं, जय झूले, धन्यवाद। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, इन्होंने ये बोली कि इनकी प्रायोरिटी है। दोस्तों जब भी हम पाकिस्तानी हिंदू समाज से मिलते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमारे जो पीछे लोग रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, उनको सेफ करा जाए। और एज ए ऑर्गेनाइजेशन हिंदू सम्मान फाउंडेशन इज ऑल्सो डिमांडिंग द सेम फर्स्ट डिमांड फॉर पाकिस्तानी हिंदूज फ्रॉम हिंदू सम्मान फाउंडेशन इज टू सिक्योर द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान इनसाइड पाकिस्तान। दैट इज अवर फर्स्ट डिमांड एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट। जो हिंदू इंडिया नहीं आ सकता, उसकी जो रोजमर्रा की परेशानी है, जो रोज उसको तंग करा जा रहा है, उसको बच्चियों को डिसऑनर करा जा रहा है, उसकी महिलाओं को डिसऑनर करा जा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उस हिंदू को पाकिस्तान के अंदर सिक्योर करा जाए। दैट इज द डिमांड फ्रॉम हिंदू सम्मान फाउंडेशन। और सेकेंड डिमांड इज कि जो हिंदू इंडिया आना चाहता है, उस हिंदू को इजिली वीजा दी जाए, उसकी फीस बिल्कुल खत्म करी जाए वीजा की, ताकि वो कंफर्टेबली इंडिया आ सके। दैट इज अवर सेकेंड डिमांड। अवर थर्ड डिमांड इज जो ये शरणार्थी परिवार यहाँ आए हैं, इनको रिफ्यूजी स्टेटस कुछ दिया जाए और इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ना कोई स्कीम्स बनाई जाए, ताकि ये लोग यहाँ पर घर बनाकर अपना आराम से जी सकें, और इनकी एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए कोई स्कीम्स निकाली जाए। अभी इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं दोस्तों, और गवर्नमेंट स्कूल्स में, मेरे फादर वॉज गोइंग टू गवर्नमेंट स्कूल, मैं प्राइवेट स्कूल में गया हूँ, मेरी बिटिया बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। व्हाट वी वांट, जो हमारा दादा के जमाना, जो माय ग्रैंडफादर का जो जमाना था, ये इनके बच्चे उस गवर्नमेंट स्कूल को वो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एज ए ऑर्गेनाइजेशन आई डिमांड कि इनके बच्चों के लिए कोई स्कीम निकाली जाए, कोई आरक्षण निकाला जाए, ताकि इनके बच्चों का कुछ परसेंटेज प्राइवेट स्कूल में एब्जॉर्ब हो और इनके बच्चों का भी एक फास्ट डेवलपमेंट हो। दिस इज व्हाट वी वांट एज ए ऑर्गेनाइजेशन। और इनके लिए कोई घर की व्यवस्था, इनकी 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 सिटीजनशिप की व्यवस्था, दिस इज व्हाट वी डिमांड एज ए ऑर्गेनाइजेशन। वी क्रिएट, वी डू दीज कैंपेन्स दोस्तों, जहां पर हम इनकी पर्सनल हेल्प करते हैं। आज सर्दियां बहुत आ गई हैं दिल्ली में, तो इनके लिए हमने कंबल वगैरह लिए हैं, और अगर आप इन कंबल की क्वालिटी देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, इट इज द सेम वी बाई फॉर अवर होम एज ए ऑर्गेनाइजेशन। हम ऐसे ही कंबल इनको लेकर दे रहे हैं, जो हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने भाई बहन, अपने माताओं को, बहन अपने 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 फादर को या ओल्ड पर्सन को देते हैं, वो हम कोई फर्क नहीं करते इनमें। तो क्वालिटी में हम लोग फर्क नहीं करते हैं, बिकॉज वी कंसिडर देम अवर एज अवर ओन। और हम एज ए संगठन हमने बनाया इसीलिए कि 110 करोड़ लोग इकट्ठे आए, 110 करोड़ लोग अपने आप को भाई समझे, अपने आप को बहने समझे, सबके बच्चों को अपना जैसा, अपने बच्चों जैसा प्यार दे, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। और हम चाहते हैं कि हिंदू सम्मान समाज में जितने भी देश विदेश में लोग रह रहे हैं, वो सरकार पर डिपेंडेंट ना रहे, मिनिस्टरों पर डिपेंडेंट ना रहे, पॉलिटिशियनों पर डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि एक दूसरे की मदद के लिए पहले खुद आए। जो काम आपसे नहीं होता, उस काम के लिए आप सरकार के पास जाएं। जैसे इनकी बेसिक चीजों के लिए हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप है वो हम एज ए कलेक्टिवली 110 करोड़ लोग सरकार के पास जाएं कि भैया इनको सिटीजनशिप दो। ये देश चलता ही हिंदुओं के पैसे से है, ये देश रन करता है हिंदुओं के टैक्स से, ये देश हिंदुओं के खून पसीने की कमाई से चलता है, रोहिंग्याओं के टैक्स से नहीं चलता ये देश, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से नहीं चलता देश, फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ दिस कंट्री आर हिंदूज। इसलिए हिंदूज की डिमांड है टू सिक्योर द हिंदूज ऑफ पाकिस्तान, दिस इज व्हाट वी डिमांड एज ए ऑर्गेनाइजेशन। और जो जो हम ग्रो होते जा रहे हैं, जो तो हमें पूरे देश विदेश के हिंदू हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, एंड इफ यू आर समबडी हु हैज बीन वॉचिंग अवर वीडियोस, वी वॉन्ट यू टू बी मेंबर, टू बाई द मेंबरशिप ऑफ अवर चैनल, बिकॉज वी वॉन्ट यूज दैट फंड फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। आप जो हमें डोनेशन देते हो, वो हम पूरे का पूरा 100% यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपनी जेब से भी कुछ डालते हैं, बट योर मेंबरशिप वी वॉन्ट दैट टू यूज फॉर अवर बिल्डिंग अवर ऑर्गेनाइजेशन।
वी वॉन्ट टू क्रिएट सिटी ऑफिसर्स, वी वॉन्ट टू क्रिएट टीम्स, डिफरेंट टीम्स हु वुड हेल्प देम ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड इन लीगल मैटर्स in pursuing this documentation process. That is what we want. So let us start this distribution now. I hope you are liking the way we are conducting these videos, these interviews, because someday, one day, you will feel proud being associated with HSF. Because ek din zarur jaldi dosto aisa aayega jab 110 crore log Hindu Samman Foundation se jude rahenge. And this is my promise to you. That day is going to come very soon. वी हैव दिस थिंग इन आवर माइंड, बिकॉज जो पेन से ये लोग अभी गुजर रहे हैं वो पेन से वही कश्मीरी हिंदू हैव बीन थ्रू ऑलरेडी. माई ग्रैंड फादर वॉज मर्डर्ड ऑन 1980 एंड माई लेट मदर हैज विटनेस दैट मर्डर इन फ्रंट ऑफ हर आईज. उनकी आंखों के सामने मेरे ग्रैंड फादर का मर्डर हुआ था एंड माई मदर वॉज इन ए शॉक ऑल थ्रू हर लाइफ. I do not want this thing to happen with any Hindu in anywhere in the world. So if you are a Hindu, you are residing in any part of the world and you need help, you can contact HSF and we will be there for you. We have created this organization to help Hindus and this is an organization for Hindus. We do not identify any castes in Hindus and for us Hindus are Sikhs, Jains, Buddhists and all Hindus. No caste, hum caste ko identify nahi karte. And our organization is completely non-political. आप किसी भी political inclination से belong करते हो, we don't care. If you identify yourself as a Hindu, you belong to HSF and HSF belongs to you. So let us start the distribution now, क्योंकि मैं इन बहनों से भी आपकी बात करवाऊंगा. तो stay tuned. For this distribution, मेरे पास यहाँ पर तीन बच्चियां हैं, तीन कन्याएं हैं. आइए इनसे मिलते हैं. क्या नाम है बेटा आपका? सिमरन. इस बेटी का नाम सिमरन है. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स्थ में. क्या नाम है आपका? सिमरन. ओए, दोनों सिमरन. क्या नाम है, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स्थ. आप भी सिक्स्थ में? सोनिया. कौन सी क्लास में पढ़ती हो? पांचवी में. तो ये सोनिया है मेरे साथ और सिमरन वन है और सिमरन टू है. इन बच्चों से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे क्योंकि कन्याएं शुभ होती हैं, लक्ष्मी का रूप होती हैं. तो ये बांट बांट कर अपने घर में भी थोड़ी लक्ष्मी ले आएंगे. चलो बेटा आप इसको उठाओ. वन, आप इधर से देते जाओ. आओ पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं. दोस्तों पहले हम लेडीज फर्स्ट करते हैं, उनको दे दो आंटी को. आप अपना चलो दूसरी लाओ. शाबाश, आप इनको दे दो. वेरी गुड. अब एक और दो, इनको दे दो. धीरे धीरे शाबाश. आप उनको दो, उनको दो पहले. उनको आ जाओ आराम से, स्लोली स्लोली. ये लो. जिसने कंबल दिया इसका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद. ये सर्दी में वो भी खुश रहे, इसके बच्चे खुश रहे. हमारे जब हमारी सोच ली है तो आपके बच्चे खुश रहे. जय झूलेलाल. दोस्तों मेरे साथ चंद्रा बहन है. चंद्रा बहन क्या बोलोगे जिन्होंने दिया है? धन्यवाद भैया, हमारे भाई ने हमको ये भैया ने ठंड के वजह से हमको ये गिफ्ट दिया है सोने के लिए, बच्चों के लिए. धन्यवाद भैया. जय श्री राम. विजय पंडित जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद. इन्होंने इन परिवारों के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हैं. हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो भी इच्छा हो पूर्ण हो और इनको शक्ति दे परमात्मा. तो ये हिंदू भाइयों के लिए इन्होंने एक संस्था ऐसी बनाई है, हिंदू संस्था बहुत इसमें है. और हम कहते हैं इस संस्था बहुत आगे निकले और अपने जितने हिंदू भाई जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं और इनकी बात पे ध्यान करें, क्योंकि लोग तो बहुत संस्थाएं आए हैं अपना वो करने. कुछ अपनी दुकानें चलाते हैं, कुछ अपना रोजगार चलाते हैं. इन भैया के माध्यम से इन परिवारों के लिए अच्छी सी सहायता मिल रही है और बच्चे महिला खुश हैं और ठंड में वॉशरूम ये अपना टॉयलेट वगैरह और सर्दी के लिए ठंड कंबल वगैरह और बहुत कुछ राशन वगैरह इन्होंने बहुत मेहनत से करके इनकी हेल्प में लगे पड़े. मैं इनका धन्यवाद देता हूँ विजय पंडित जी का और हिंदू संस्था का. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम.
दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग, आई होप यू आर लाइकिंग द वे वी आर कंडक्टिंग दीज वीडियोज, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। अच्छी का